सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल को, बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से बच्चों के वाइट यूनिफॉर्म या फिर ऑफिस वियर जो वाइट क्लॉथ्स होते हैं उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वाइट कपड़ों पे लगातार वॉश करने से वो पीलापन आ जाता है और बच्चों के जो वाइट यूनिफॉर्म होते हैं वो तो अक्सर ही बहुत ज़्यादा मैले और गंदे हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें चमक खो जाती है। आप देख सकते हैं, ये पैंट है, यूनिफॉर्म है स्कूल का, उस पर देखिए कई सारे इंक के दाग हैं, यहाँ पर देखिए कलर के दाग हैं और भी कुछ तेल के या लंच में बच्चों के ऑयल गिर जाते हैं उनके दाग हैं, इधर भी कुछ तरह के दाग पड़े हुए हैं हल्के हल्के पेन के, और ये पूरी तरह से पीली हो चुकी है। यहाँ पे भी कुछ ब्लैक सा लगा हुआ है यहाँ पे तेल का। इसी तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें दाग हैं आप, और यहाँ पे भी देखिए। तो मैं आज यही दिखा इस वीडियो में यही शेयर करूँगी कि किस तरह से आप बच्चों के यूनिफॉर्म या वाइट जो भी क्लोथ्स हैं आपके उसको नए जैसा एकदम चमका सकते हैं और बना सकते हैं। तो मेरी ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर इसको यूज़ करिएगा और इसको अपने बच्चों के वाइट कपड़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ ज़रूर करिएगा। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसको आप फिर से वाइट और क्लीन कर सकते हैं एकदम से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस बकेट में मैंने पानी ले लिया है, अब उसमें आप बेकिंग सोडा मिला लें। मैं एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा से जो कपड़ों में दाग धब्बे होते हैं बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और कपड़ों में नई चमक नई जान आ जाती है। इस तरह से मिक्स कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डिटर्जेंट पाउडर। जो भी आप डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं उसको आप ले लें और इस तरह से मिक्स कर लें दोनों को एक साथ। ये देखिए, पानी में मिक्स कर दें अच्छे से ताकि घुल जाए दोनों। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें यूज़ करूँगी लेमन जूस। फ्रेंड्स, डिटर्जेंट में ऑलरेडी लेमन होता है, बट बेकिंग सोडा के साथ प्योर लेमन मैं यूज़ करती हूँ ताकि इसका रिएक्शन बेकिंग सोडा के साथ बहुत अच्छा आता है। तो मैं पूरा एक लेमन इसमें निचोड़ दूँगी। आप एक लेमन इसमें अच्छे से निचोड़ दें, ये बेकिंग सोडा के साथ मिल करके दाग धब्बों को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। देखिए इस तरह से, अब सारों को आप एक साथ मिला दें तीनों को एक बार फिर से। और अब मैं इसमें यूनिफॉर्म को डाल रही हूँ, आपके सामने ही दिखा रही हूँ मैं कि इस तरह से मैं इसमें भिगो दूँगी। एक से डेढ़ घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दें ताकि इसके सारे दाग धब्बे जो हैं वो फूल जाएं, रिमूव हो जाएं। और उसके बाद से फिर हम इसको धुल करके हाथ से चाहे मशीन में धुलेंगे। फ्रेंड्स, एक घंटे हो गए हैं और मुझे लगता है सारे दाग जो हैं वो हल्के हो गए होंगे इसके। अब इसको रगड़ देंगी तो सारे दाग जो हैं वो एकदम से साफ़ हो जाएंगे और एकदम नई आ जाएगी। देखिए ये नई जैसी दिख भी रही है, अभी से इसका पीलापन हट गया है और ये सफ़ेद हो गई है इस तरह से। अब मैं इसको वॉशिंग मशीन में धुलूँगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको वॉशिंग मशीन में धुला है, धुल करके सुखा लिया है इसको। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे दाग थे सारे, ये सारे हट गए हैं। देखिए ये एकदम से साफ हो गई है, क्लीन हो गई है, एकदम से इसमें नई चमक आ गई है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नई जैसी हो गई है और बिल्कुल इसका पीलापन भी हट गया है, इसमें नई सी चमक आ गई है और कहीं भी दाग धब्बे नहीं है जो स्याही के थे, कलर के थे या ऑयल के थे, सारे दाग हट गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस ट्रिक को यूज़ करें और बच्चों की जो ड्रेस है वाइट उसको नई जैसा बनाएं। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आता है तब करें। थैंक यू, बाय बाय।